नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आरएसएम एलडीसी रिजल्ट के बारे में। ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी रिजल्ट का एक बहुत बड़ा अपडेट आपके सामने आ चुका है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है आपके लिए, बने रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, एलडीसी को लेकर बहुत से डेली धरना दिए जा रहा है। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने एलडीसी में एग्जाम दिया था, ठीक है, डेली धरना दिए जा रहा है। तो देखिए, गवर्नमेंट पर और इस आयोग पर भी प्रेशर रहेगा कि जल्दी जल्दी स्टूडेंटों का जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। लेकिन यहाँ एक अपडेट आपके लिए है, देखते रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो को। फ्रेंड्स, बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होती तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो चलिए मैं आपको न्यूज़ दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये लोगों ने धरना दिया है, ये न्यूज़ बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है, ये आप ट्वीट पर चेक कर सकते हैं, ट्विटर पर फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान, जो काफ़ी पॉपुलर है। राजस्थान की सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो यहाँ लिखा गया है, जयपुर आरएसएसबी एलडीसी 2018 के परिणाम जारी करवाने के लिए आज बोर्ड के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ। युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोल व मीडिया प्रभारी नंद किशोर के नेतृत्व में, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने धरना दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप ये पिक्स को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात आपसे कहना चाहूँगा, देखिए रिजल्ट को लेकर ये धरना दे रहे हैं स्टूडेंट्स, तो मुझे आप भी इस चीज़ में जो है शामिल हों। ठीक है, क्योंकि आपने भी एग्ज़ाम दिया है, इन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो आप भी इस चीज़ में शामिल हों। ठीक है, इसमें गर्ल्स भी शामिल हैं कुछ, ठीक है, तो आप भी इसमें शामिल हों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जिससे बोर्ड पर प्रेशर पड़े और थोड़ा जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जाए। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूँ, बने रहिएगा ऐसे वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, ये रही एक न्यूज़। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, आरएसएसबी एलडीसी 2018 परिणाम निकलवाने के बाबत में आज नेहरू गार्डन में प्रस्तावित वार्ता में सभी अभ्यर्थियों को सर्वसहमति से कल सुबह 10 बजे से आरएसएसबी दुर्गापुर में सामने धरना दिया जाएगा। युवा हल्ला बोल के प्रदेश अध्यक्ष ईरा बोस व मीडिया प्रभारी नंद किशोर के नेतृत्व में धरना दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये न्यूज़ जो है कल की है। ठीक है, 31 दिसंबर की न्यूज़ है। जो मैंने आपको पहली वाली न्यूज़ दिखाई थी, वो जो न्यूज़ थी वो आज ही की न्यूज़ है। इन्होंने यहाँ पर कल बताया था कि जो आप 10 बजे यहाँ पर जो है धरना दिया जाएगा, तो वही जो मैंने अभी आपको पहला ट्वीट जो दिखाया उसी में धरना दिया गया है, जो यहाँ पर कल इन्होंने बताया गया था। ठीक है, वो न्यूज़ जो है वो अभी से 3-4 घंटे पहले की न्यूज़ है, जो मैंने कल अभी जो सबसे पहले वाली न्यूज़ बताई थी। ठीक है, तो बस इतना अपडेट देना था। तो मुझे आप जो है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप भी संख्या भारी संख्या में जाकर इनका सपोर्ट कीजिएगा, आप भी इनके साथ होइएगा। ठीक है, जिससे आपको भी जल्दी जल्दी भारी संख्या में देखकर परिणाम जारी किया जाए। ठीक है, और कोई अपडेट आएगा तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें फ्रेंड्स। ठीक है, आगे कोई अपडेट होगा ज़रूर आपको बताया जाएगा। वो